हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार ने जो वैकेंसी रिलीज़ की हैं 94,000, उससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है, तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी पहले 2019 में आई थी अगस्त में, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि इसमें जो NIOS के जो स्टूडेंट्स थे, जो कि 18 मंथ का DLED कोर्स करते हैं या BTC कोर्स करते हैं, उनको यहाँ पर मान्यता प्राप्त, मतलब उनको यहाँ पर फॉर्म भरने से रोक दिया गया था। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि पटना हाई कोर्ट जो है वहाँ पे केस डाला था। उसके बाद से अब ये वैकेंसी दोबारा आई है, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को छोड़ना मत, अगर आप छोड़ देंगे तो आपको कन्फ्यूजन बना रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो दोस्तों, जो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जिन छात्रों ने BTC या इसको कहते हैं DLED, ठीक है, जिन्होंने BTC या DLED का कोर्स किया है, किससे? NIOS से, जो कि 18 महीने का होता है। अगर आपने वो किया है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, चाहे भले ही आप किसी भी स्टेट के हों, UP के हों, MP के हों या फिर किसी भी स्टेट के हों, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस शर्त एक है कि आपके पास NIOS से जो डिग्री मिलती है BTC की 18 महीने की, वो आपके पास होनी चाहिए, आपने वो कोर्स किया होना चाहिए। इसके बाद जो TET है, जैसे बिहार TET होता है और CTET होता है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जिन्होंने दिसंबर में CTET क्वालिफाई किया था, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जो जुलाई 2019 में जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, बाकी इसमें कोई भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो फॉर्म आप भर पाएंगे वो 15 जून मतलब जो है आज 15 जून है, आज से 14 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसकी सारी जानकारी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, इसका ना कोई एग्ज़ाम है, इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधा मेरिट के हिसाब से इसका सिलेक्शन होगा। तो 31 अगस्त तक जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। तो अगर आप इस जॉब में बिल्कुल दिलचस्पी है आपकी, तो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वाकई पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे सभी जो भी कन्फ्यूजन होंगे आपके, उसको हम क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।